मैं पहली बार सिनेमा हॉल अंदर से एक पूजा में ही देखा था थिएटर। अच्छा, बसंत टॉकीज नाम था उसका, उद्घाटन था। बाबूजी पूजा करा रहे थे, तुम मुझे ले गए थे कि तुम भी चलो और उद्घाटन या कुछ उद, हाँ उसका पूजा कराना था। जय संतोषी माँ फिल्म पहली बार स्क्रीन होनी थी वहाँ। जय संतोषी माँ पुरानी थी, बात मुझे लगता है कब की होगी, 80-80 की कभी की, बट चूंकि धार्मिक फिल्म है तो ओपनिंग इस फिल्म से करेंगे थिएटर का। तो उस पूजा के बाद हम बैठे थे, हम पहली बार सिनेमा देख रहे थे कि पंडित जी के लड़का है। तो कहाँ सोचे थे तब कि हम कभी सिनेमा का हिस्सा बनेंगे या सिनेमा करेंगे। और वही जो आपने बोला ना कि हम वो जो प्रीपेड कार्ड मिलता है ना, मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है। देखिए 6 महीना साल भर में, पर पता नहीं हमारे अंदर वो शायद गांव का है, वो माँ बाप का दिया हुआ ये है ना कि मुझे याद है मैं 300 रुपये का एक ट्यूबवेल में दो एलिमेंट आते हैं, दो चीज़ें आती हैं, एक नोजल और एलिमेंट करके, 300 रुपये का सामान था। उसके लिए मैं और बाबूजी खेतों में जाके सोते थे कि कोई खोल ना ले रात को। तो हमारी 3 से 4 महीने जब तक ट्यूबवेल और पंपिंग सेट मेरा खेत में होता था, तो हम बाबूजी रात को खटिया लिए और गए वहीं सोए। सर्दियों का मौसम है तो वहाँ एक झोपड़ी बनता था बड़ा छोटा सा पुआल का, और बड़ा कुजी लगता था वो झोपड़ा, उसमें हम बाबूजी जाके कंबल अपना रजाई वजाई लेके रात को सो रहे हैं। क्यों जी वो 300 रुपये का सामान कोई खोल ना ले जाए रात में। आप कैसे पिता हैं? मैं बड़ा अच्छा पिता हूँ, मेरी एक बेटी है। क्या नाम है उसका? आशुई नाम है। तो हम, मैं इकलौता, मतलब मेरी जर्नी जो है कि मैं गांव में भी रहा हूँ, मैंने अपनी बहनों के लिए बर्तुहारी होते और लड़की लड़का ढूंढते जो होता है अगुवाई वाला, अभी दिवाली के बाद अब सीजन चालू हो गया, गोधन कुटा गए ना, अब हमारे गांव में जो लड़की के पिता हैं अब वो सुयोग्य वर ढूंढने निकलेंगे। और मेरे बाबूजी कई बार साइकिल लेके, साइकिल तो नहीं चलाते थे, दूसरे के साइकिल पर बैठ के जाते थे। मेरे पिताजी को साइकिल चलाने आती ही नहीं है, सीख ही नहीं पाए वो, तो 3-3, 4-4 दिन सुयोग्य वर ढूंढने में निकल जाता था। वो लोग घर से बाहर हैं, इस गांव से उस गांव, उस गांव से वो गांव में एक लड़का है। तो मैं वो भी दुनिया देखा हूँ और मैं बरेली की बर्फी टाइप की भी दुनिया देख रहा हूँ, रेड कार्पेट की भी दुनिया देख रहा हूँ। तो हमारा बाप जो है वो सब गांव शहर कस्बा सब का मिला हुआ रूप है, वो थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेसिव है। एक वक्त था जब मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि क्या मैं अच्छा बेटा बन पाया। आप अच्छे बेटे बन पाए? आई थिंक हाँ, मैं इतना समय लिया क्योंकि अपना सेल्फ आकलन, सेल्फ सर्टिफिकेट देना हो जाएगा मैं खुद ही को दूं तो, ये सवाल मेरे माँ बाप से ज़्यादा उचित रहेगा, वो बता पाएंगे कि मैं कैसा बेटा बन पाया। हाँ, मैं सारा आपाधापी के बावजूद मैं हर 3 महीने पे गांव पहुंचना ही पहुंचना है मुझे। अच्छा? हाँ हाँ, हर 3 महीने पे। पिताजी बहुत ही ऑनेस्ट, ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक पर्सनिफिकेशन ऑफ अनकरप्ट मैन। What was his area of work? He was a teacher initially. Okay. Then he caught red-handed one of the girls who was copying in the exam, and then she turned out to be the daughter of the governing body member. Uh-oh. So then they asked for explanation from my dad, and he went with a resignation letter. So he didn't explain. He said, "I don't want to work." They asked him for an explanation. Yeah. Wow. Then why did you throw her out? Hmm. So, uske baad, then he got a job, which is a strange job. बहुत ही अजीब किस्म का था क्योंकि उसमें salary नहीं थी. It was a post of Muslim marriage registrar. Okay. Because he was also an expert in Quran and Shariat and all that, though he didn't believe in it. But he did the job. So all kinds of things which people would face the Muslim community there, in terms of properties and marriage and counseling and all that, people used to come and he had to be paid. So it is a kind of a fees he would charge, though it's a government post, but there is no salary, neither there was pension. Okay. So he earned a very meager amount of money, and he had 5 sons including me, I'm the youngest one,
So he had to educate them, and he was himself was very educated person. So he made sure that we all knew the value of education. It was a town, very respectable man in the town. Like when he passed away in 2003, like thousands of people turned up, and we were surprised that acha, my dad, you know. And he was a person who used to always go to the library at 2 o'clock and come out at 7 in the evening. 2 in the afternoon till 7. So, voracious reader. 2003, I came home and after a play I did in London called Orientations. Mm-hmm. And I was interviewed there on BBC. And I didn't know it was already telecast. By the time I came, my dad saw it on television. So I didn't know that. So I came home, I sat with him in the living room, and he says, "You must be doing something good." He always spoke to me in English. That's it. Yeah, always. He taught me English. I mean, he not only taught me, he beat the hell out of me to teach me English. It's like his slaps were not from here, it used to come from here. Long run up. Yeah, absolutely. From all the way. You know, so I used to be terrified. So he says, "You must be doing something good." I said, "Why do you say so, Dad?" He said, "No, I saw you being interviewed on BBC." I was like, "Oh, okay, I got it. So why do you think I'm doing good? Just because you saw me on BBC?" He said, "No, BBC would not interview someone who is not good." I said, "Yeah. That's true. So you trust BBC more than me, huh? More than your son." He started laughing. He said, "You have a point." I said, "I do have a point, Dad. You could have trusted me more, you know. You would have a better relationship." But we reconciled, and you know, he mellowed a lot after he crossed 80, and he was like a very sweet man. And he used to always give me this beautiful smile when I come back home from wherever I was, and from Delhi or you know, from Guwahati. It's a big teethless smile, and I still miss that. मतलब जो भी मैं हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ दो ही कारणों से हूँ, एक तो अपने शहर इलाहाबाद की वजह से और आधा अपने परिवार की वजह से, जैसा आपके साथ भी है, आपके पिताजी का स्ट्रगल और जिस तरह से वापस गाँव में आना विदेश में रहने के बावजूद बहुत बड़ी बात है वो भी उस वक्त, नहीं तो लोग तो लालची हो धोने में कितना वक्त लगता है। और किसकी हुई हमारी फैमिली, किसकी हुई हमारी फैमिली, अच्छा है होता है। तो आप सबसे छोटे? जी मैं सबसे छोटा। पैम्पर्ड थे? मुझे तो पैम्परिंग इतनी याद नहीं है, शायद मेरे फादर मुझे बहुत पैम्पर करते थे। फिल्मों का शौक भी घर से ही मिला, मेरे फादर दोनों बहुत फिल्म बफ्स थे। और मैं 11th में मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो परफॉर्मेंस खत्म हुई, ग्रीन रूम में आए, आई लिट अ सिगरेट, मेकअप उतारा था, सिगरेट पिया था, एंड आई सॉ माय फादर कमिंग, एंड आई सॉ हिम लुकिंग एट यू, अब वो टर्न करके चले गए। बड़ी टीस उठती आज भी जब मैं याद करता हूँ, और उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया कि तुम सिगरेट पी रहे थे, शाम बात नहीं की है उन्होंने। He respected that. Yeah, वो बहुत ही, हाँ वो पता नहीं अजीब मिट्टी के थे वो। मोहल्ले में कभी किसी का झगड़ा, नीचे रिक्शे वाले लोग काम वाम करने वाले पुलिस पकड़ के ले गए, फादर रात को 2 बजे जाना मदद करना लोगों की, तो था मुझे अच्छी तरह था। उस दिन बद्रीनाथ के कुछ हाई हेड प्रीस्ट या कुछ लोग मेरे फादर से मिलने आए थे, पर शाम को मैं पापा को बोला, पापा मैं जा रहा हूँ, और वो एंजा का, हाँ तो एंजा के नाम से उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल जा बेटा, कुमार में एंजा का। अब गए और मुझको 9:30 कुछ अजीब सा लगा, मैंने कहा यार मूड नहीं है, मैं तुमने सीनियर बोला मैं जा सकता हूँ, नॉट फीलिंग टू वेल। तो उन्होंने कहा जाओ, और मैं घर पहुँचा हूँ और लेटा हूँ बिस्तर में, मदर की चीख सुनाई दी है, और ऐसा मतलब मेरे सामने फर्स्ट अटैक आया था, ऐसा नहीं था वो सेकेंड या थर्ड कुछ, वो भी अजीब अगर मैं ना आता
फिर फ़ोन घुमाया जाता है, उसमें मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, कहाँ हो क्या हो किस कमरे में पड़ा, हो सकता मैं कुछ भी हो सकता है, दारू रूपी रखी होती, मैं सो रहा होता कहीं, क्या नाइट थी ना हॉस्टल की, वो था मामला। अच्छा वही होता है आई थिंक बुजुर्गों के लिए कि जो उनको रिस्पेक्ट दे, उनकी उनके गलत बात भी सुन ले, है ना। मेरे फादर की आदत थी एक दिन में एक बात को 5 बार रिपीट करते थे। अच्छा। और मैं 5 बार ऐसे रिएक्शन देता था जैसे फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ उनकी बात को। वाह। तो उनको अच्छा लगता था। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि देखो पापा की थोड़ा उम्र हो गई है, तो कई बार तुम लोग ऐसे कई बार वो कुछ कह देते हैं तो ज्यादा मतलब हाँ उसको लिया करो, हाँ ले लिया करो, एक्सेप्ट कर लिया करो कई बार तो वो एग्जैक्टली यही था कि मतलब वो कई बार या जैसे उन्होंने कुछ एक हेल्दी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो कि रहा भी है कई चीज़ों पे रहा है, तो मतलब दोस्ती पक्की लेकिन ये है कि तो वो अब जैसे थोड़ा बड़े हुए मैं और मेरा जो जुड़वा भाई है, मैं आइडेंटिकल नहीं पर मैं 18 मिनट बड़ा हूँ, तो वही कि थोड़ा जो एक कोएग्जिस्टेंस ऐसा हो कि कोई बात हो सकता है उनकी नागवार गुजरे, आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं लेकिन ये करें, और उम्र के साथ ये हम लोगों को भी समझना चाहिए इस फेज पे आके। अच्छे पिता हैं आप? अच्छा पिता हूँ, अच्छा पिता हूँ, बट वही है वक्त नहीं मैं दे पाता हूँ। इसका क्या जुगाड़ करना होगा? इसका कोई जुगाड़ नहीं, इसका जुगाड़ नहीं, ये सच है और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको बता दूँगा भाई देखो ऐसा था, तुम्हें मैंने अच्छे खासे स्कूल में बड़े स्कूल में पढ़ाया और इसका रीज़न वही था क्योंकि मैं मेरी बेटी जब मैं बोलता हूँ पापा मुझे आप मिलते नहीं हो और ये वो चले जाते हो। अच्छा बोलती है? हाँ बोलती है, अभी चूँकि 8 साल की हो गई तो शिकायत करने लगी वो कहाँ जाते हो और मुझे आपके साथ रहना है ये वो। मैंने देख मैं तो शूटिंग कर रहा हूँ बाहर और पैसा वहीं से आता है, तो पैसा तो ATM से भी आ सकता है ना, वो ATM से कार्ड निकाल के आ जाता है वहाँ से, तो जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने ATM कौन डालता है, तेरा बाप ही तो डालता है। क्योंकि मुझे एल्बम ख़त्म करनी थी और मेरे पास कम टाइम था, तो मैं क्या करता था कि मैं सुबह 3 बजे उठता था और 4 बजे तक तैयार होकर मेरी कॉफ़ी के साथ मैं काम करना शुरू कर देता था, और 4 बजे से 8 बजे तक मैं अपना म्यूज़िक बनाता था, और फिर 8 बजे के बाद मेरी ड्यूटी शुरू होती थी कि मुझे गुरी को तैयार करना है, उसको स्कूल छोड़ना है, फिर मैं स्कूल छोड़ के वापस आऊँगा, फिर मेरा जो बाकी का काम है मैं वो सब करूँगा। तो मैंने हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक ये खींच तो लिया, बट इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इवेंचुअली, यू नो, बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, एंड वी आर अडॉप्टेड अबाउट 4 डॉग्स, सो वन ऑफ द डॉग इज अ लिटिल बिट ऑफ अ नॉटी डॉग, तो जब मैं सोने जाता था तभी उसका भौंकना शुरू होता था क्योंकि मुझे 3 बजे उठना होता था, तो मुझे जल्दी सोना भी पड़ता था, तो मैं ट्राई करता था कि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाऊं ताकि कम से कम मुझे 6 घंटे की नींद तो मिल जाए। तो एक दिन मैं गुस्से में आग बबूला हो गया क्योंकि भौंकना शुरू हो गया था नीचे, एंड सो आई वेंट डाउनस्टेयर्स एंड आई व्हैक्ड द डॉग एंड गुरी सॉ मी डू दैट, तो मैं गुस्से में ऊपर तो आ गया, गुरी मेरे पीछे पीछे आया, मेरे बगल में बैठा हुआ था, फिर मुझे रोते रोते बोलता है कि हाउ वुड यू फील इफ यू कैन हिट मी एंड आई हिट यू, हाउ वुड यू फील, एंड सो ऑफ कोर्स आई आल्सो स्टार्टेड क्राइंग एंड देन आई सेड सॉरी टू हिम, आई सेड पापा इज वेरी सॉरी, पापा विल नॉट डू इट अगेन, अपोलॉजीज टू यू एंड अपोलॉजीज टू माशा, दैट्स द नेम ऑफ द डॉग। पिता बनना हम सबको बदल देता है, मुझे तो बदल दिया, आपको कैसे इसने बदला? Did you want to become a father? Did fatherhood interest you? I wanted to become a father, but
इट केम एट द टाइम व्हेन आई वाजंट रेडी. सो जब बुरी पैदा हुआ था तब मुझे बड़ी इट वाज अ स्ट्रगल फॉर मी टू रियलाइज दैट आई हैव बिकम अ फादर. इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम. जब गुरी ने मुझे प्यार करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ दैट अच्छा लाइफ इज चेंज्ड नाउ, यू नो. सो आई थिंक दिस होल अनकंडीशनल लव सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन काइंड ऑफ इमर्ज्ड फ्रॉम हिम एंड वेरी ऑर्गेनिकली ऑल्सो, नॉट समथिंग दैट आई वॉज एमिंग एट. इट जस्ट हैपेंड, पता नहीं कैसे. अपने माँ बाप से भी मैं तभी ज़्यादा अच्छे से प्यार कर पाया गुरी के पैदा होने के बाद, क्योंकि अच्छा. शायद फिर मुझे रियलाइज हुआ ओह अच्छा ये मतलब होता है इसका, यू नो. या श्रवण कुमार होता है ना, मेरी मम्मी तो एक्चुअली उनको श्रवण कुमार ही बुलाती है मेरे फादर को. क्योंकि ना और कुछ भी हो जाए पापा शायद इतनी जल्दी रिएक्ट ना करें, क्योंकि मेरे पापा स्लो मोशन है लाइफ में. वो हर जगह लेट होते हैं. एक लौते शायद आदमी है चार औरतों तीन औरतों के साथ, बट सबसे ताय समय वो लगाते हैं तैयार होने में. हर जगह लेट उनको पहुंचना है, गाड़ी स्लो वो चलाते हैं, तो सब कुछ स्लो है उनकी लाइफ के अंदर. उनको यहां अच्छा लगेगा, वो परफेक्ट आपके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, स्लो है वो. बट अगर मेरी दादी को कुछ हो जाए, उनको कुछ चाहिए जी, तो मेरे पापा पहुंचेंगे सबसे पहले भाग के, सब कुछ छोड़ छाड़ के. लिहाज का हमारा डेफिनेशन जो था अलग था, इनके लिहाज का डेफिनेशन अलग. अब छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको. मैंने अपनी बेटी से कहा, अभी हम जा रहे हैं अंकल के पास में, मेरे डायरेक्टर दोस्त थे, मैं उनके पास जा रहा था. मैंने कहा कि आप जिद कर रहे हो कि आप मेरे साथ आओगे, आप आओ. 8 साल की है मेरी बेटी. मैंने कहा कि लेकिन आपको उनको नमस्ते करना पड़ेगा, आप अच्छे से नमस्ते नहीं करते हो. ये एक बाप की बेटी के साथ में बातचीत हो रही है. तो कह रही नहीं मैं करती हूँ, है ना. मैंने कहा नहीं आप नहीं करते हो. एक मैं कहता हूँ आप हिंदी में बोलो, आप हिंदी नहीं बोल रहे हो, आप बिल्कुल बाप पे पापा की बात नहीं सुनते हो. मैं कहता हूँ नमस्ते करो, आप नमस्ते नहीं करते हो. फिर वो गई, फिर जा कर के उसने हेलो हेलो अंकल बोल दिया. तो मैं जो वापस जा रहा था तो मैंने कहा कि यार तुमने फिर हेलो बोला, मैंने तुमको कहा था तुम नमस्ते करो. तो पापा इट्स ऑल द सेम थिंग, है ना. तो जो एक्सप्रेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जनरेशन से, शायद वो एक्सप्रेशन उनके पास वो वाला एक्सप्रेशन नहीं है. और हम कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं ये सोच करके कि हम जैसे जैसे एक्सप्रेस करते थे वैसे क्यों नहीं कर रहे. शायद उनका एक्सप्रेशन हेलो में है. ये मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ. खूबसूरत बात की आपने, है ना. तो हमको भी थोड़ा सा ना अपनी जिद छोड़नी होगी. कॉपी पेस्ट क्यों? हाँ कॉपी पेस्ट क्यों. आई स्टिल रिमेंबर एक कोर्स किया था मैंने लैंडमार्क फोरम करके, उसमें बोला था कि आपने अपने पिताजी को जाइए आई लव यू बोलिए. तो गोरे थे सारे मेरे साथ, उनके लिए तो बड़ा आसान था. मेरा बैंड बजा, मैंने कहा पापा को आई लव यू बोलना. तो उन्होंने बोला नहीं बोलना पड़ेगा, ये तो है आपको यू नो दिस आई क्यू आउट. तो मैंने पापा से बात करनी शुरू की. 15 मिनट हो गए मुँह से निकले ही ना. तो फिर लास्ट में कुछ बात हुई पापा ऐसे 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 करके. मैंने कहा पापा सुनिए. बोले हाँ बोल. मैंने कहा पापा आई लव यू. चुप रहो. ओके ठीक है. फिर मुझे लगा फ़ोन काट देंगे. तो फ़ोन काटा नहीं, फ़ोन होल्ड पे रहा. थोड़ी देर मेरे को बोलते हैं, कहते यार गोल्डी एक बात बताऊँ, मेरे पापा ना 74 की उम्र में चले गए, मैंने उन्हें ज़िंदगी में आई लव यू नहीं बोला यार. अच्छा क्या तूने बोल दिया. And he was in, I was in the US, he was in India. Papa Hindustan mein the, main America mein tha. Par pehla jise aap hum log ki zindagi ka sabse pehla ek emotional connect beyond reason wala moment tha ye phone ke upar. And I could feel him with Veta is there and I had Veta is here. This was before the cancer scare. Before the cancer scare. And then what happened? नहीं कुछ नहीं. ओके उसके बाद जो एक जब आप सामने आते हैं तो फिर वो हाँ जी पापा जी ही निकलता है आपसे. वो मतलब वो चीज़ होती नहीं है ना. अब जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वो आपने उनको कभी वीक नहीं देखा होता. तो मैंने फ़ोन किया पापा जी को. मैंने कहा पापा ये क्यों है.
That was the first time I felt weakness in him. कि कहते गोल्डी आजा. अब वो गोल्डी आजा को आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, राइट? अब ना ही मैं उनसे पूछ सकता हूँ, वो है ही नहीं. नहीं पापा क्यों, अच्छा आप बताओ तो सही, यहाँ बुला लूँ, ये बुला लूँ. अब वहाँ पे मतलब होता है गोल्डी आजा, मतलब गोल्डी आजा. यू नो, फिर आप नहीं पूछते दाएं बाएं क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, कुछ नहीं है. एंड आई फेल्ट हिम, यू नो, इट्स अ वेरी बहुत अजीब मोमेंट होता है एक बेटे के लिए अपने फादर को वीक महसूस करना. क्योंकि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हर आपका जो हीरो है ना, वो एटलीस्ट स्ट्रेंथ, बिकॉज आपने उनको फैमिली चलाते हुए देखा है, वो हमेशा आपके फादर रहते हैं. When you hear weakness, it's shattering at many levels. कई हिस्सों में आप अंदर से टूट जाते हैं. बट जब उनकी सर्जरी हुई जी, और कोई ऐसा दिन या घंटे रहे होंगे जब सिर्फ आप और वो? मैं 15 दिन उनके साथ ही था हॉस्पिटल में. बहुत मतलब एक यू नेवर थिंक दैट यू गोना लूज योर फादर. हम जानबूझ के भी नहीं सोचते उस बारे में. बिल्कुल. जब आप हॉस्पिटल में होते हैं उनके साथ और वो ही इज़ फाइटिंग एंड यू सी हिम एक्सट्रीमली फ्रेल एंड वीक, तो और वो बहुत वैसे भी पुराने किस्म के हैं, तो बिकॉज इट वॉज़ अ यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनको कोई इस तरह से देखे, घर की औरतें ऐसे देखें. तो गोल्डी ही रहेगा मेरे साथ 15 दिन, सब कुछ छोड़ के 15 दिन उनके साथ रहे. और एक आई वुड से दैट यू नो बहुत जैसे कहते हैं रोलर कोस्टर बोलते हैं ना उसको, वो 15 दिन वो फुल रोलर कोस्टर, हाई ऑन इमोशंस. हम लोग साथ में हंसे भी, रोए भी, कुछ डिस्कशंस होते थे जो यू नो मेरे को बोले नहीं तूने, लाइक ही नेवर अप्रूव्ड ऑफ मी बीइंग अ शेफ. आज भी बोलते हैं वो, तो अभी भी रोटियां बनाता है क्या? यू नो अभी तो मजाक में बोलते हैं, बट उन्होंने बोले नहीं तूने ठीक किया, यू नो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. Was that the first time? That was the first time that he said that. That he expressed, he was apparently, you know, laddu baante the. But kabhi mere ko nahi bola unhone. Jab main hotel management mein top kiya 3 saal all India, to laddu baante the factory mein, mujhe to abhi pata chala. But samne nahi. Nahi bolte ki nahi tune theek kiya. Aur mujhe yaad hai wo din bhi yaad hai. Mujhse zyada vividly yaad tha unko. Agar tu doctor ban jata to yahan nahi pahunch pata tu jahan pe hai. I'm so glad you took that decision for yourself. पिताजी संगीत का प्यार, इन लोगों से परिचय, तो कभी घर पे गोदई महाराज आके चूड़ा मटर बना रहे हैं. गुरु बनना तो इन्हीं की तरह है. और शाम वाम में उस समय भी सैटरडे संडे तो उतना नहीं माना जाता था, एक केड़ो इतवारे था, तो इतवार उतवार को शाम में कबीर चौरा में किसी मंदिर में शहनाई बजा रहे हैं बिस्मिल्लाह खां, और 50 लोग बैठे हैं जिसमें 4 फिरंगी, तो कभी बिस्मिल्लाह खां की तरफ नजर जाए, कभी इधर क्या है इसमें बे. वाह वाह वाह, 15-16 साल का लड़का आगे बैठे, तो बिस्मिल्लाह खां गए शंभू का लौंडा है ना, रोक के कहीं इसका बोलो कि अपना ना बजावे, नहीं हमारे बजाने वाले गड़बड़ा जाएंगे. अच्छा, आप ये करते रहे? हाँ, बात आई परिश्रम करने की, तो गिनो धा धा ते टे धा धा तुन न ता ता ते टे ता ता तुन न, अबे वो पतंग आ रही है समझे. और फिर गुरुजी के पास जाए, आशुतोष भट्टाचार्य के पास, पत्तबलचियों का हाथ बहुत तगड़ा होता है. हमने नरम रम बच्चे एकदम घर से दूध रोटी खाए, तड़ा अंकल क्या बता रहे हो, आपको लग रहा है आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ अंकल, ऐसा नहीं अंकल, पेशाब लगी आपको, करके निकल लो गंगा जी में. गंगा जी में जब पैर वैर डुबाए, पापा सोच रहे हैं कि अगला धी धी नाती ना, चलो कुछ तो कर रहा है, तो कर रहा है, माहौल बना ले रहा है, कहीं तो परिश्रम कर रहा है. तो पापा जी भी पहुंच गए, सुतोष जी का देखे 20 बच्चे बैठे हैं, संजुआ नहीं दिख रहा बे. कब से नहीं आ रहे हो तुम,
और ये बात चल रही मुंह से नहीं, जिसको जितना मतलब है भाषा उतनी जरूरत है भी नहीं, समझ जाते हैं। बाप की परेशानी, आज मेरी बेटी अगर ऐसे करेगी तो वो दर्द अब समझ में आता है। वो भी एकांत में चले गए गंगा जी में, अच्छा। बैठ गए जाके, क्या करूं इस बेटे का। संजय यार, संजय संजय 1 2 3 पानी में, आज तक कूदे नहीं थे पानी में। वहां बनारस के घाटों में देखोगे ना ऐसे ऐसे घाट 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 कुछ करो, संजय पापा जी 1 2 3 चोरी पकड़ी गई। अरे मर जाई ककर लौंडा बे और तैरना सीख गए। पापा आते थे ऑफिस से, वो बास्केट में रखी जलेबी समोसे जो जिन इनकम थी तो हिसाब से जो खुशी मिलती थी, सारे भाई बहन बैठ के खा रहे हैं, चटनी वटनी डाल के वो उसमें पत्तल में बैठे हैं, अपना जो खुशी होती थी वो अभी लगता है कि वो खुशी ज़्यादा बड़ी थी। वो किस तरह का उनका काम रहा है? वो आर्मी में थे। अच्छा। हाँ, तो उधर बड़े वाले भैया भी आर्मी में, तो उनका ट्रांसफर हुआ था, तो वो ही यूज्ड टू मेक बॉम्ब्स हॉर्नेट्स फैक्ट्री के लिए, उनका पूरा जो, हाँ, तो पापा उसमें मास्टर थे वो। फिर सारे लोग जिनकी वाइफ को पैसा नहीं मिलता था, उनका जब स्वर्गवास हो जाता हमारे जवानों का, तो उनका पूरा उनका इनकम देना, अच्छा। तो उनका काम थोड़ा इमोशनल था वो, कि वो बहुत टफ होता है उस टाइम पे, कि उनका सारा मेक श्योर कि उनका मनी ऑर्डर से लेके गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव उनको मिले, तो मुझे लगता था वो हमेशा उनका वजूद था कि लाइफ में कि जीना है तो दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए जिया तो क्या जिया। आप उम्र से बड़े नहीं होते हो, आप अपने बच्चों की उम्र से बड़े होते हो, क्योंकि मेरी मेरी बेटी 18 की हो चुकी है और उसके दोस्त इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो 4 लोग तो हैं जो मुझे अंकल बुलाने लगे। और ये अच्छा नहीं लग रहा है कहीं नहीं, मैं ठीक है। तो जब आप 4 लोग आपको अंकल बुलाने लगते हैं तो मैं कहता है यार ये मुझसे बड़े लोग हैं, इनको कोई अंकल नहीं बुलाता, तो उनके बच्चे मेरी बेटी से छोटे हैं। वो भी अंकल वाली स्टेज पर नहीं पहुँचे, लेकिन मैं अंकल वाली स्टेज पर पहुँच चुका हूँ। अपनी बेटी आलिया के बारे में बताइए। हाँ, मैं क्या बताऊँगा, मेरी जान है उसके अंदर, वो तो होता है मेरा। पिता बनना हम लोगों को किस तरह से बदलता है, और हम जैसे क्रिएटिव लोगों को जो उस दुनिया से दूर, जिम्मेदारियों से दूर, रिश्तों से दूर भागते हैं। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मेरी आधी चीज़ें इसलिए सुलझी, मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम का टाइम गया अभी, अभी वो चीज़ों से जूझ रही है और मुझे उसके लिए यहाँ पे रहना है। मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं ला सकता उसके ऊपर, या अपनी प्रॉब्लम का बैगेज लेके नहीं आ सकता, मैं बाप नहीं बन सकता। फिर अगर उसका दोस्त बनना है, उसका बाप बनना है, तो मेरे बैगेज को मेरे को अपने कमरे में छोड़ के आना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि मैं खुला रहूं, मैं एब्जॉर्ब कर सकूं उसके इश्यूज। तो अपने आप बदल जाते हो। जब योर फादर इज अ पर्सन ऑन द फोन, वो रिश्ता कैसा था विद योर फादर? एक बड़ा मतलब अच्छा था, इट वॉज नॉट नथिंग बैड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट व्हाटएवर, बस वो एक ट्रांजैक्शनरी बन गया था एक पॉइंट पे। वो हाल पूछते थे, आई नीड टू केयर ऑफ मी, मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, मतलब मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी, पढ़ाया लिखाया, मतलब अपनी नॉलेज मुझसे शेयर की जितना कर पाते थे, ऑल्सो बिकॉज आई ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। एक आदमी है जो सालों अकेले वहाँ पर काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है, वो अपने घर आते हैं, लाइट खुद खोलनी पड़ती है, तो आई स्टार्ट टू ट्राई एंड सी इट फ्रॉम हिज साइड। तो एवरी टाइम जब जिस कॉन्वर्सेशन में मैं बड़ा परेशान हो जाता था कि यार एक एक घंटा डेढ़ घंटा मतलब अब बात करनी पड़ेगी अगर कॉल पे आ गए, वो इसलिए करते थे क्योंकि उनको चांस मिल रहा है, ही हैड टू मेक श्योर कि ही इज गिविंग मी ऑल हिज। वही एक रोशनदान था आपकी जिंदगी? हाँ, ये करो, ये करना है, ये करना है। तो मैंने बोला पापा मैं मुझे एक्टर, मुझे थिएटर करना है। पापा कहते बेटा आप तो फिर जिंदगी में कमाओगे कैसे, आपकी ना शादी होगी, आप रोज समोसे और चाय के साथ ऐसी बस वेले बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे। तो कहते ऐसे तो नहीं हो सकता, आप थिएटर करो और सिर्फ आर्ट्स करो। तो दो शर्तें रखेगी, एक कि आपको अटेंडेंस पूरी रखनी है कॉलेज में, और दो आपको कॉलेज में टॉप करना है, तभी आप थिएटर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो आई वाज द ओनली वन इन माय थिएटर ग्रुप हु यूज्ड टू अटेंड ऑल द क्लासेस एंड आई कंसिस्टेंटली टॉप ऑल 3 इयर्स। कभी कभी आपको खुद नहीं पता होता आप तैयार हैं, आप बहुत
यू ऑलवेज सेल्फ क्रिटिकल एज एन आर्टिस्ट, आप चाहते हैं कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने ऊपर, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये पापा ने जो मेरा बोरिया बिस्तरा बांध कर घर से निकाल दिया था मुझे. पापा ने निकाला? पापा ने. लोग भाग कर एक्टर बनते, मुझे भगाया गया था कि अब तुम तैयार हो, ये सही समय है. वैसे मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, ये सही समय है. पता नहीं उनकी एस्ट्रोलॉजिकल ब्रेन था या फिर उनका विवेक, हाँ, कि अब सही टाइम है जाने के लिए. अगर अब तुम रुक गए यहाँ पर, यहीं रुके रहोगे. तो मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं थी बॉम्बे में, मुझे स्ट्रगल करने भेज रहे थे, मुझे कोई जानता भी नहीं था. तो वो जो है वो डिसीजन जो था, मैं लड़ सकता था कि नहीं पापा मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी ये प्ले करना है. एक आप ऑब्वियसली जब आप अपने दोस्तों के साथ मेहनत कर चुके एक थिएटर, एक प्रोडक्शन पर, तो आपकी विजडम यही कहती है कि आप ये प्ले करने के बाद चले जाओ, छः महीने बाद चले जाओ. तो ये लाइक एक अभी मोमेंटम बना हुआ है, आपके एग्जाम कल खत्म हुआ है, ये अगर छः महीने आपने ऐसे ही निकाल दिए ना, तो आपकी बॉडी का जो मोमेंटम खत्म हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है. तो मुझे भेज दिया गया. मैं अपने फादर से बहुत डरता था बचपन में, टिल माई मदर डाइड. फिर उनका एटीट्यूड चेंज हुआ. तो मैंने उस वक्त ये फैसला किया था ग्रोइंग अप पीरियड के अंदर कि मेरे बच्चे मुझसे नहीं डरेंगे. तो मैं अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है हुआ, अपने इमोशनल लाइफ मुझसे डिस्कस करते हैं, सब कुछ है, मैं उनको राय भी देता हूँ. इसलिए कि वो भी जानते हैं इस बात को कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, हालांकि नहीं है. मगर ये कि उनको मालूम है कि एक्सपीरियंस का कोई भी कोई नहीं है. जी, यू आर वेरी क्लोज नेट फैमिली, राइट? और इस बड़े शहर में मैं जब यहाँ रहता था तो ये रेयर होता था कि जो इंसानी रिश्ते हैं वो वैसे ही हों जैसे किसी छोटे शहर में एक परिवार एक साथ मिल के रहता है. और ये कैसे बचा के रखा आपने, खासकर इस मकाम पे? तो इसके लिए भी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है. अरबाज साहब चले गए टैटू लिखवाने. अच्छा. टैटू की दुकान पे. कब, किस उम्र में? या अभी 3 साल पहले की बात है. अच्छा. तो वहाँ से टैटू की जगह पे से वहाँ फ़ोन किया कि डैडी मैं यहाँ लिखवाने के लिए आया हूँ टैटू. मैंने कहा किधर? तो कहने शोल्डर पे. तो क्या लिखूँ? मैंने कहा तुम वहाँ पहुँच गए हो, सोच के नहीं गए? मुझे पहले तो इस बात से हैरत हुई कि वहाँ तक तुम पहुँच गए, मैं अभी तक लेके नहीं गए थे कि क्या लिखवाऊँगा. तो कहने नहीं मैं ऐसे ही आ गया था. मैंने कहा फिर आपसे पूछता हूँ. तो मैंने कहा लिखो. तो मैंने कहा लव ईच अदर और पेरिश. तो उनके यहाँ शोल्डर पे लिखा हुआ है. लिखा है? अच्छा. हाँ. और वो ऐसा ख्वाहिश के बताते भी हैं. अच्छा. उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है जी. लव ईच अदर और पेरिश. ये झगड़े होते हैं, राइट्स होते हैं, सब होते हैं, जो भी होते हैं, मगर फाइनली लव इज द विनर. वही जीतता है.